चोरा मेरे मज पम्मण मणि सिखा पदम समाधिया मी चोरा मेरे मज पम्मण मणि सिखा। शराबियों के साथ में जब बातचीत होती है तो शराबी कहते हैं चखना ले आओ। चखना जो होता है वो होता है शराब के साथ में जो चखते हैं, चाहे वो नमक है, चाहे वो कुछ खाने का सामान है या नमकीन है, उसको चखना कहते हैं। मगर चखना का मतलब यहां ये नहीं है। पाली भाषा में जो चक्षु है यानी जो आंख है उसको चख बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं। चख का मतलब होता है देखना और चक्षु माने आंखें। अब ये चक्षु से चखना कैसे बना या चख से चखना कैसे बना, ये एक बड़ी शानदार सी कहानी है। बेसिकली जो भगवान बुद्ध ने धम्म देखा और धम्म को सिखाया, उन्होंने धम्म को देखना सिखाया यानी धम्म को चखना सिखाया, चक्षुओं से यानी कि आंख से देखना सिखाया। चक्षु बोलते हैं संस्कारित भाषा में। कैसे देखना सिखाया? एक शब्द होता है मर। मर का मतलब है डेथ या मरा हुआ या जो मरता है, और अगर उसमें ए लगा दें तो वो अमर हो गया। और अमरता या अमर या इमोर्टल सभी होना चाहते हैं दुनिया में। हजारों पिक्चर और हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग अगर कहें कि हर आदमी की ख्वाहिश है कि वो मरे ना, तो ये झूठ भी नहीं है। ये जो शब्द है अमर, ये बना कैसे? भगवान बुद्ध ने एक बहुत बढ़िया चीज सिखाई थी जिससे आदमी अमत्त हो जाता था। मत्त किसको बोलते हैं और अमत्त किसको बोलते हैं? मत्त माने होता है जब आपके सेंस आपको कवर कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि आपकी जो इद्दियां हैं, इंद्रियां हैं, पाली में हम इनको इद्दि बोलते हैं और संस्कारित भाषा में इंद्रियां बोलते हैं। जब आपके सेंसेस या इंद्रियां या इद्दियां आप पे कंट्रोल कर लेते हैं और आपको गुलाम बना लेते हैं, जैसे खाने का गुलाम, पीने का गुलाम, किसी वस्तु का चाहने का गुलाम, किसी नर का या नारी के चाहने का पाने का गुलाम, या आलस का गुलाम, या नशे का गुलाम, या आपको झूठ बोलने का गुलाम, या व्यभिचार करने का गुलाम, या हत्या करने का गुलाम, पाप करने का गुलाम, जब ये सारी बुलाइयां आपको गुलाम बना लेती हैं तो आपकी इंद्रियां आपको, आपकी इद्दियां आपको कंट्रोल में कर लेती हैं, उस अवस्था को बोलते हैं मत्तावस्था, यानी मत्त हो गया। और अगर ए लगा दें इसमें तो ये अमत्त हो जाता है। अमत्त का मतलब है अब इंद्रियां आपके कंट्रोल में हैं, अब इद्दियां आपके कंट्रोल में हैं, अब सेंसेस आपके कंट्रोल में हैं, अब आप हत्या नहीं कर सकते, अब आप झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, अब आपके अंदर कोई बुराई नहीं रहेगी। भगवान बुद्ध ने ये जो अमत्त वाली अवस्था है इसको प्राप्त किया। जो बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने सारी मत्त वाली जो चीजें थी वो खत्म कर दी अपनी, और शरीर के अंदर सिर्फ उनके अंदर अमत्त वाली चीजें रह गई। तो अमत्त अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया, यानी अमत्त जो पोजिशन है, अमत्त जो पद है उसको प्राप्त किया। इसी को उन्होंने निब्बान कहा। निब्बान का एक वीडियो टीम 22 पे पहले ही लोड हो चुका है, आप उसे देखें। निब्बान को संस्कृत भाषा में बाद में निर्वाण कहा, और इस अमत्त को कहा अमर, और अमर यानी अमृत, अमत्त का बाद में अमृत बना। तो जो अमत्त पद को चख लेता है, यानी अमत्त को चख लेता है, चख का मतलब देख लेता है, दर्शन कर लेता है, समझ लेता है, उसके भाव को जान लेता है, उसको अपने अंदर डाल लेता है, अमत्त पद को, वो कहते हैं कि इसने अमत्त पद प्राप्त कर लिया, अब ये अमत्त हो गया। और संस्कारित भाषा में अमत्त को अमृत्यु बना और अमृत्यु को अमर बना, बहुत सरल भाषा में। तो आज भी कहते हैं इसने अमत्त चख लिया, यानी कि संस्कृत भाषा में अमृत चख लिया। चख का मतलब चक्षु से है देख लिया, यानी कि अमृत चख लिया, और चख को बाद में चखना बन गया, और चखना का चखना छकना बन गया, यानी इसने अमृत चख लिया। तो अमृत चखने वाले या अमत्त पद वाले अपनी पांच चीजों को छोड़ देते हैं। वो किसी की हत्या नहीं करते, वो झूठ नहीं बोलते, वो व्यभिचार नहीं करते, वो नशा नहीं करते, और वो किसी भी तरह का कोई भी व्यभिचार या झूठ या नशा नहीं करते, ना ही चोरी करते हैं। ये पांच चीजें सारी वो करते हैं, इसलिए उस अमत अवस्था को, निब्बान अवस्था को पहुंच जाते हैं। तो अमर पद या अमत पद या अमृत पद या निब्बान पद या निर्वाण पद, ये सारे एक ही हैं,
एक ही अवस्था है, जब आप चोरी करना छोड़ देते हैं, जब आप हत्या करना छोड़ देते हैं, जब आप व्यभिचार करना छोड़ देते हैं, जब आप नशा छोड़ देते हैं, और जब आप किसी भी हालत में कैसा भी जो दुष्कर्म है, पाप कर्म है, उसको छोड़ देते हैं। ये जो पंचशील के सिद्धांत है, पांच सीलों के सिद्धांत है, यही करने से आदमी अमृत को चख लेता है, देख लेता है। ये बहुत सिंपल सा है। बुद्ध कहते हैं ऐही पस्सिको, ऐही पस्सिका का मतलब है आओ और पस्स करो, पस्स का मतलब है देखना, और इसको ऐही चखिको भी बोलते हैं, चखिको का मतलब है देखना, यानी आओ और देखो, इसका अनुभव करो, तब इसको जानो, तब इसको मानो कि इससे लाभ होता है या नहीं होता है। तो अमृत चखने का या अमृत चखने का या अमृत को अनुभव करने का बुद्ध के समय और बुद्ध के बाद से बहुत ज्यादा प्रचलन रहा है। लोग ये तो भूल गए कि हमको हत्या करना बंद करना है, हमको चोरी नहीं करनी है, हमको व्यभिचार नहीं करना है, हमको झूठ नहीं बोलना है, और हमको कोई भी ऐसा नशा पता नहीं करना है। इसके अलावा वो सारे काम करने लगे और इसको एक ट्रेडिशन और परंपरा बना दिया, वेशभूषा से, रख रखाव से, जीवन के जीने से। कोई आदमी अगर पांच बुराइयां छोड़ देता है तो वो अमृत को चख लेता है। अमृत चखना जो बताया जाता है, ऐसा बताया जाता है कि लोटे में कोई द्रव्य है, कोई पीने का पदार्थ है, और उसे पीने के बाद में आदमी कभी मरेगा नहीं। शरीर तो हमेशा सबका खत्म होगा, प्राकृतिक नियम है। दुनिया में कभी किसी का शरीर, किसी जीव का, कि कोई पेड़ पौधा या कोई मनुष्य कभी अपने शरीर के साथ जीवित नहीं रह सकता, ये प्राकृतिक नियम है। उसके सॉफ्टवेयर में एक शरीर को कमजोर करने की फाइल होती है जो उसको खत्म कर देती है, मगर जीते जी वो अमृत को प्राप्त हो सकता है, अमर तत्व को प्राप्त हो सकता है, अमृत को प्राप्त हो सकता है, दुखों से दूर हो सकता है, अपनी मृत्यु से दूर हो सकता है। ये सच्चाई है, यही बुद्ध ने सीखा, यही बुद्ध ने बताया। इसी को निब्बान बोलते हैं, इसी को निर्वाण बोलते हैं, और यही सबसे ऊंची अवस्था मानी जाती है। धन्यवाद। 322 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर, या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से, या फेसबुक से, या मेरे पेज से, कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं। उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के, या ऐसा का ऐसा शेयर करके, या इसको आगे भेजकर, या इसका लिंक भेजकर, या इसमें से कोई भाषा बदलकर, या इसको प्रिंट कर, या इसको लोड कर, या डाउनलोड कर, या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर, या किसी को गिफ्ट कर, जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में, यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Thank you.
Singam Sirunam Gacchami.